hi leo and welcome to floral tarot reader how you guys are doing leo thank you so much just maybe my channel subscribe kiya. it really means a lot leo my personal reading we offer you our description box or comment section check kar sakte

Or oh you reading data start DJ Angels, Higher beings and Ancestors, Love Life for Leo in the month of May 2024. The detailed reading. Okay. Let's check. Let's back. current energies of your person. Two of Wands. Intention of your person. Ooh! Lovers, future reaction of your person. Wow, King of Wands, your energy. The Fool, Few, uh, intention of yours, Five of Wands, future reaction of yours, Queen of Wands. Okay, future of this whole connection is Eight of Swords, Three of Swords, and Four of Pentacles. Ready? यहाँ इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ ऐसी रिवर्स ओके okay. mm. देखो आप दोनों जिद्दी जो भी हो आप दोनों जिद्दी हो एनीवे वे साइन बता देती हूँ एरीज लियो सैजिटेरियस एक्वेरियस एंड वर्गो बाकी एंड कैप्रिकॉन बाकी आपका पर्सन जिस भी साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो मुझे जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग बोला कि आप दोनों महाजिद्दी लोग हो बहुत जिद्दी हो बहुत जिद्दी एक दूसरे की तो सुननी ही नहीं है आप लोगों को प्यार बहुत है इमोशंस बहुत हैं बट सुननी नहीं है एक दूसरे की झुकेगा नहीं आप लोग पुष्पा बने हुए हो पुष्पा द लो अर्जुन मूवी रेफरेंस कि आप लोग झुकोगे नहीं इतना ये इतना ईगो रख के इतना ऐसे करके कहाँ चले जाओगे आप लोग ये बताओ आप तो दूसरों की सुनते हो दूसरे आप लोगों को आपके जो दोस्त हैं जो अस्तीन के सांप बने हैं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं डियो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग ये मुझे दिख रहा है क्योंकि प्यार है आप दोनों के बीच में इमोशंस हैं प्यार बहुत है देयर इज अ लॉट ऑफ लव लवर्स एनर्जी है कहीं ना कहीं फूल है प्यार है बट कुछ तो आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो इस पूरे कनेक्शन में जिस वजह से जो ये फ्यूचर है ना वो वो आ रहा है एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग सबको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी आज आपको भी और आपके पर्सन को भी आपके पर्सन की एनर्जी द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में ये पर्सन ये बहुत सोचते हैं बहुत सोचते हैं जब मतलब ठीक है आप लोग शायद वर्किंग हो गया कॉलेज में हो गया मतलब जैसे ये फ्री बैठते हैं जैसे इंसान जब ये फ्री होते हैं ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं स्टॉक stock नहीं स्टॉकिंग की बात नहीं कर रहे सोचते हैं सोचते हैं कि लियो एक अच्छा पर्सन है कि नहीं लियो के साथ एक फ्यूचर होगा कि नहीं फ्यूचर को लेके आगे क्या प्लान है आगे क्या होगा उसके बारे में ये पर्सन बहुत सोचते रहते हैं दे थिंक अ लॉट अबाउट यू यू दैट्स देयर एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे इनकी जो एनर्जीज दिख रही है टू ऑफ वन की एनर्जी में दैट बहुत ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत पैशनेट है आपको बहुत प्यार करता है ये पर्सन डेफिनेटली प्यार करते हैं बट कहीं ना कहीं ना बहुत नाप तोल रहे हैं मतलब वही दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जी में वो टू ऑफ वंस

लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है बट दे वॉन्ट टू गिव यू ऑल सपोर्ट दे टू लव यू देखो अब इस, अब नाउ लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस इमेजरी ये ये आपका पर्सन है ये आपको भले ही लड़ाई झगड़ा हो रहा हो कुछ भी हो आप लोग वापस आते हो आप लोग और स्ट्रॉग बनते हो ये देखो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको हाथ दे रहे हैं आपके साथ ग्लोब शेयर कर रहे हैं दे वॉन्ट टू शेयर लाइफ विध यू दे वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर विद यू बट बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत प्रोज एंड कॉन्स नाप रहे हैं तोल रहे हैं आपके साथ दैट्स देयर एनर्जीज यू दैट्स इट ना लेट्स टॉक द इंटेंशन पार्ट देखो इंटेंशन ये पर्सन प्यार करता है आपको ये अगर बताते नहीं है एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं और इनका इंटेंशन दे वॉन्ट है

बी इन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ यू मैं बता रही हूँ ये पर्सन ये पर्सन अगर आपको है कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में रोमांटिकर्ड पार्टी सिचुएशन है देर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचता है सिर्फ आपसे प्यार करता है आप ही की फोटोज देखते हैं आप ही के बारे में सोचते हैं सो राइट नो वाइम सींग इन एनोजी क्या रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा नहीं बट दे आर वेरी होपफुल आर वेरी होप फुल ये पॉजिटिव एनर्जी में बट आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में हो ओकेट द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन हम्म हिसाब से पता हूं क्या दिख रहा है ये जो पर्सन है ना आपका ये बहुत हाईली सिक्योर्ड पर्सन है बहुत हाईली सिक्योर्ड है ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है इनका करियर अच्छा है इनकी फैमिली अच्छी है है मतलब ये है। jealousy, ये सिक्योर पर्सन इनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज जेलेसी नेगेटिविटी मैनिपुलेशन वो जितने भी जो इतने भी जो टर्म्स जो चले हैं वो नहीं है ये पर्सन जो है मुंह पे है नहीं है तो नहीं है ये इस किस्म का पर्सन है डंके की चोट पे चीजें करने वाला बोलने वाला पर्सन और इनका जो ये फ्यूचर एक्शन दिख रहा है ना लवर्स विद किंग ऑफ वंस ये पर्सन आपको जो मतलब मैं क्या बोलूं इस एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है इन फ्यूचर एक्शन कि ये बताएं, ये बताएं मैस्कुलन एनर्जी में जो भी है जेंडर नहीं मैटर करता मैस्कुल एनर्जी में ये आपकी केयर करेंगे ये आपको प्यार करेंगे मेरे हिसाब से इस आपको इस पर्सन इस, इस पर्सन से बेटर पर्सन नहीं मिल सकता फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं इनका जो प्यार है इनकी जो केयर है आपके लिए वो बढ़ते हुए दिख रही है फ्यूचर विथ यू दे वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू और फ्यूचर एक्शन में कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं ये चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप में रिलेशनशिप हो उसमें खुशियां हो उसमें स्टेबिलिटी हो उसमें कामनेस हो उसमें ये सब कुछ चाहते हैं आपसे ये ऐसा पर्सन नहीं है कि बेयर मिनिमम में खुश हो जाए और फ्यूचर एक्शन में पता हूँ ये किस किस्म का पर्सन है आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली ये ऐसा पर्सन है कि अगर ये आपको हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट एनर्जी टाइम सब दे रहे हंड्रेड परसेंट ये आपसे भी हंड्रेड परसेंट एक्सपेक्ट करते हैं

Uh, फालतू तो लड़ाई झगड़ा करना नॉनसेंस चीजें करना नो वेरी हाईली सिक्योर्ड मैन है सी ओवरऑल मैं इनकी एनर्जी में यही बोलूंगी कि, कि ये पर्सन जेनुनली सीरियस है आपके लिए ये आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं ये प्यार करते केयर करते हैं इफ दे आर गिविंग हंड्रेड परसेंट दे एक्सपेक्ट हंड्रेड परसेंट दैट्स देयर एनर्जी यू लियो लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी आपकी करेंट एनर्जी में आप पसंद करते हो इस, इसको इस पर्सन को आप बहुत पसंद करते हो यू रियली यू रियली लाइक देम यू रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को और जानना चाहते हो आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो यू वॉन्ट टू नो देम मोर और बट आप कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हो इस पर्सन के लिए एज ऑफ नाउ विच इज फाइन विच इज ओके लियो कोई बात नहीं टेक योर टाइम दैट्स योर करेंट एनर्जी पार्ट मैंने कुछ तो स्टार्टिंग में बोला था कि, कि आपके दोस्त भड़का रहे हैं। मेरे हिसाब से आप ना पहली बार तो अपनी करना ना लोगों से बंद कर दो, लियो। do मेरे हिसाब से आपके जो आस पास के जो लोग है ना वो नहीं चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग एडवाइस दे रहे आई एम सींग समन इज गिविंग यू रॉन्ग एडवाइस लियो कोई तो आपको गलत एडवाइस दे रहा है मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप इस पर्सन

थोड़ा मैं बोलूंगी थोड़ा आप बहुत ना आप बहुत जजमेंटल हो रहे हो फाइव ऑफ कप्स जजमेंटल का मतलब होता है आप अननेसेसरी इस पर्सन के बारे में गलत परसेप्शन बना रहे हो गलत चीजें सोच रहे हो सो लियो डोंट डू दैट मैं बोलूंगी अपनी जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है आपकी जो लव लाइफ है वो अभी के टाइम पे ना डिस्कस करना बंद कर दो अपने फ्रेंड से यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग योर ओन थिंकिंग भाई भगवान ने आपको भी बुद्धि दी हुई है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग यूज करो

इस पर्सन को कमिटमेंट देते हुए लिख रहा हूं योर एनर्जीज इज परफेक्ट परफेक्ट बस दूसरों की मत सुनो अपना इंट्यूशन अपनी बुद्धि चलाओ हम्म hmm, राइट right. आप दोनों को एनिमल्स बहुत पसंद है आप दोनों को नेचर बहुत पसंद है आप दोनों ही गुड लुकिंग लोगों नाउ फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना देखो आप दोनों ना आप दोनों के अंदर गुस्सा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है गुस्सा बहुत एग्रेसिव है दोनों को दोनों हाईली एग्रेसिव लोग हैं महा एग्रेसिव लोग हैं दोनों चाहे लड़का हो लड़की हो आप दोनों के अंदर गुस्सा भर भर के भरा है और वही दिख रहा है आप दोनों के लिए मैं तो चाहूंगी ये जो रीडिंग है आप अपने प्लीज पार्टनर के साथ भी शेयर करिए बिल्कुल शेयर करिए आप अपने पार्टनर के साथ क्योंकि उन्हें भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है I am telling you, future मुझे यही दिख रहा है कि जैसे ही आप गुस्सा दिखाओगे जैसे ही आप गुस्से से अपने एंगर को आने दोगे तो फ्यूचर बहुत खराब है बहुत खराब है मुझे फ्यूचर में यही दिख रहा है कि आपका जो ये पर्सन है मेरे हिसाब से अगर आप गुस्सा दिखाओगे आप ज्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ये पर्सन बहुत इनसिक्योर होते हुए दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है फ्यूचर में मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव होंगे इतने पॉजिटिव होंगे कि आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे कि यहाँ नहीं जाना है वहां नहीं जाना है ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो कंट्रोलिंग होते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप नंबर वन नंबर टू मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम पे कि आप दोनों के बीच में अभी intentions, emotions बहुत अच्छे हैं पर जैसे ही कोई इंसान कंट्रोल करता है ना वहां पे रिलेशनशिप में दरार आने लग जाती है तो वही दिख रहा है आप दोनों के बीच में कि कि एक दूसरे के साथ आप लोग स्टक फील करोगे आप भी स्टक फील करोगे ये पर्सन भी स्टक फील करेगा बट दिस कैन बी रिवर्सिबल क्योंकि आप दोनों आप दोनों बड़े कंपेटेबल लोगों आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो जो थो, मुझे ना आने वाले टाइम पे टॉक्सिसिटी बढ़ते हुए दिख रही इन द द कमिंग फ्यूचर एक्शन एंड दे एनर्जी है मेरे हिसाब से थोड़ा अगर आप लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हो प्लीज उस चीज को अवॉइड करो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत गंदा अटैचमेंट दिख रहा है गंदी लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है एक दूसरे को ऐसी चीजें बोलते हुए दिख रहे हो जिस वजह से आप दोनों का दिल टूटते हुए दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन आई एम नॉट सीइंग अ ब्रेकअप एंड ऑल बट टॉक्सिक होते हुए दिख रहा है कनेक्शन बट

कि गुस्सा नहीं करना है अपने अग्रेशन पे दोनों पे को काम करना और अगर ये अगर ये वो है फायर साइन है अगर आपका पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस है तब तो प्लीज प्लीज आप दोनों को अपने रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करना है लाइक दैट इज फॉर श्योर यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर एंगर कंट्रोल कर लोगे ना रिलेशनशिप बहुत अच्छा है डेविल यहाँ पे डेविल आया है यहाँ पे लवर्स आया बिट विच क्लियरली सिग्निफाइज दैट कि आप दोनों का रिलेशनशिप या तो बहुत अच्छा चलेगा या तो एकदम वर्स पे आ जाएगा मिडिल ग्राउंड्स में नहीं होगा एक्सट्रीम है ये रिलेशनशिप एक्सट्रीम है ये एनर्जी प्यार करोगे तो एकदम प्यार करोगे नफरत करोगे तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा रिलेशनशिप तो अपनी जो एनर्जी है ना उस पे गुस्सा एग्रेशन मत लाइए That's the only guidance for you. Rest, मैंने आपको एक guidance दी है कि अपने दोस्तों से अपनी please अभी के लिए अपनी personal like love life मत discuss करिए because there are people around you जो आपको गलत advice दे रहे हैं गलत advice दे रहे हैं That's the only guidance coming for your Leo and uh, आप लोग का जो relationship है बहुत अच्छा आप लोग की marriage भी होते हुए दिख रही है you guys are meant to be together. ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक twin flame connection में हो ये जो एक्सट्रीम्स एनर्जी आती है ना जब एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनर्जी आती है ना एक एक्सट्रीम 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 प्यार extreme प्यार extreme नफरत तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी निशानी होती है आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो तो अगर आप लोग को कहीं ना कहीं आपको अगर हंड्रेड परसेंट यकीन है कि येस दिस इज माई ट्विन फ्लेम तब तो बहुत केयरफुली चलना है आपको और हम मैं हमेशा अपने वीडियोस पे बोलती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या तो या तो वो आपको बहुत बड़ा लेसन देने के लिए आती है या तो ब्लेसिंग के लिए आती है जरूरी नहीं आपका यूनियन हो बट मुझे दिख रहा है आपका इस जन्म में यूनियन होगा इस जन्म में आप लोग साथ हो गए सो इफ इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी इफ इट्स अ ट्विन फ्लेम के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बहुत इंटेंस बहुत बड़ी बड़ी रीडिंग होती है उसमें एनर्जीज अलग लेवल पे प्ले करती हैं अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन इफ यू नो इट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू मेक योर पर्सन अंडरस्टैंड दैट हमें अपने एग्रेशन पे गुस्से पे काम करना है डिस्कस करो यू कैन शेयर दिस योर पार्टनर इट्स ओके टैरो रीडिंग कोई जादू टोना तो है नहीं मेरे सब मुझे मुझे एक चीज तो ये भी दिखती है कि लोग ये सब टैरो रीडिंग बहुत चुप चुप के देखते हैं बहुत चुप चुप के अरे भाई हम हम मैं यहाँ पे तो आपको गाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पे आपको कोई गलत एडवाइस देने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे कोई लव स्पेल वशीकरण ये सब प्रमोट नहीं करती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि मैं किस किस किस्म की रीडर जो मेरे से जुड़े हैं जो मेरे एम एंड kind of kind of ये भी मुझे लगता है कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में होते हैं लियो वो सामने वाले को बताते ही नहीं भाई तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो भाई सामने वाले को बताओ इफ इफ पर्सन एज वेल फिर आप लोग में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो भाई पर्सनल रीडिंग बुक करा लेना एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर पार्टनर डेफिनेटली मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बोल रही हूँ कि शेयर करो नहीं शेयर करना भाई वो आपकी मर्जी रेस दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग लियो बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक मै वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल बताय